स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनॉर्ज पे। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, इस कंपनी को लेके देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है इस कंपनी को। और इस कंपनी को लेके देखेंगे तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसका एक सीधा फायदा जो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर हम लोग IRB इंफ्रा के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये शेयर में एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। अभी लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट करना है ये शेयर में, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर कैसे रिटर्न देगा, अभी देखेंगे तो IRB इंफ्रा का शेयर का प्राइस जो कि 61.48 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका जो बोल सकते हैं एक हाई प्राइस जो है 77 या 78 रुपीज का, उससे देखेंगे तो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली IRB इंफ्रा का शेयर कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए IRB इंफ्रा का शेयर कैसा है, और क्या ये शेयर यहाँ से रिटर्न बना सकता है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनॉर्ज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। शुरू करते हैं स्टॉक की बात। ये कंपनी जो कि देखेंगे तो बोलते कि बड़े जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ये सब इसको मिलता है कंपनी को, IRB इंफ्रा को। प्रोमोटर्स के ज्यादा अगर देखेंगे तो होल्डिंग्स में से ज्यादा स्टेक जो है प्लेस्ड है IRB इंफ्रा का, वो आपको ध्यान रखना है। IRB इंफ्रा के जो लॉन्ग टर्म के लिए बताया जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मतलब एक तेजी बनाएगा। देखिए कंपनी में क्या है, अभी इंफ्रा को लेके जैसे कि इंडिया मतलब गवर्नमेंट से कोशिश किया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, वहां पे IRB इंफ्रा को जो है बहुत सारे ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। और उसमें से देखेंगे दोस्तों तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो है IRB इंफ्रा का जो कि 2039 ऐसा क्लोज हो रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में क्लोज हो रहा है, और ये सब बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स है IRB इंफ्रा का। अभी यहाँ पे एक दिन में शेयर देखेंगे तो शेयर में जो लगभग कुछ अच्छा खासा तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं IRB इंफ्रा को लेके, जहाँ पे वन मंथ में IRB इंफ्रा के शेयर ने IRB इंफ्रा के शेयर में देखते हैं तो लगभग जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.9% ये शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। एंड यहाँ पे वही दोस्तों बात करते हैं, एक हफ्ते में 2.6% डाउन हुआ। अभी एक दिन में देखेंगे तो देखिए 0.7%, मतलब उतना ज्यादा नहीं, 0.7% यहाँ पे फिलहाल रिटर्न देखने को मिल रहा है। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं 30 है आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 42.20 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम 49 है आउट ऑफ 100। कंपनी के शेयर को लेके यहाँ पे देखते हैं IRB इंफ्रा का, देखिए यहाँ पे वन ईयर में देखते हैं IRB इंफ्रा के शेयर में, वन ईयर में क्या हुआ है शेयर में लेके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वन ईयर में जो इसने एक हाई प्राइस बनाया जो कि 17.15 पैसे का, ये इसका वन ईयर का हाई प्राइस है, और जो वन ईयर का लो प्राइस है 30.40 पैसे का। तो वहां से अगर आप देखते हैं कि हाँ वन मतलब वन ईयर में शेयर जो है 30.40 पैसे से या फिर 30 रुपीज से शेयर में एक जबरदस्त तेजी बना, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न मिला है अगर आपने ये शेयर इसको लो प्राइस में खरीदा है, मतलब 30-32 रुपए के आसपास अगर आपने खरीदा है तो यहाँ पे आपको जबरदस्त रिटर्न मिला रहेगा। शेयर का प्राइस अगर देखते हैं तो बहुत ही कम था IRB इंफ्रा का, और इस पर जैसे ही प्रोजेक्ट मिलता गया ऐसे जो है शेयर में तेजी बनता गया। अभी यहाँ पे देखते हैं तो इसका वॉल्यूम जो देखते हैं तो वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों वन मंथ में क्या हुआ है IRB इंफ्रा के शेयर में, वन मंथ पे आप देख सकते हैं शेयर का प्राइस जो है लगभग 65.50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। वन मंथ में जो इसका हाई प्राइस था 65.50 पैसे का, और यहाँ पे जो इसने लो प्राइस बनाया 58 रुपीज का वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पे। एंड बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक हफ्ते का जो इसका हाई प्राइस है 63.46 पैसे का, और एक हफ्ते का जो लो प्राइस है 60.60 पैसे का वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी के शेयर में अभी जो है बीच में एक जबरदस्त वॉल्यूम आया था, शेयर के प्राइस में तेजी भी बनाया था। एक दिन की बात करते हैं शेयर में दोस्तों IRB इंफ्रा के शेयर में जो इस एक दिन का जो हाई प्राइस बनाया 62.88 पैसे का, और एक दिन का जो लो प्राइस बनाया 60.70 पैसे का। तो ये शेयर मतलब जैसे कि कुछ दिन पहले इसको लेकर हम लोगों ने डिटेल में वीडियो बनाया था IRB इंफ्रा का, कितने प्रोजेक्ट्स है, कहाँ पे प्रोजेक्ट्स है, कितने अमाउंट्स का प्रोजेक्ट्स है, कब तक वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होगा। तो अगर आप इसके बिजनेस को देखते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं IRB इंफ्रा का, तो आपको समझ में आएगा कि IRB इंफ्रा का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए क्यों सही है। अभी यहाँ पे बहुत सारे कुछ चैलेंजेस भी आ सकता है आगे चल के कि कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसीज में चेंजेस हो इंफ्रा को लेके, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें कुछ चेंजेस हो, तब जाके IRB इंफ्रा के शेयर में वो सब चैलेंजेस देखने को मिल सकता है, या फिर IRB इंफ्रा कंपनी में वो सब चैलेंजेस देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी तो बोल सकते हैं कि हाँ कंपनी के पास अच्छे खासे इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स है और कंपनी के जो शेयर है आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी यहाँ पे जो एक मतलब मेजर ये आता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उसका देखेंगे तो ज्यादा स्टेक जो है प्लेस्ड है। इसका वॉल्यूम देखिए एक दिन का 250,000 का जो यहाँ पे वॉल्यूम पूरा देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का जो IRB इंफ्रा का देखते हैं तो का जो थोड़ा बोल सकते कि IRB इंफ्रा का जो यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो कि
म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया आईआईएम इंफ्रा में, और ये जो शेयर है कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न स्टॉक से ओवर 5 ईयर्स का कंपनी का देखते हैं तो यहाँ पे जो आईआईएम इंफ्रा ने कुछ दिन पहले का अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है लगभग जो कि 0.10% के आसपास, कुछ तो शायद सिर्फ डिविडेंड दिया 0.10% के आसपास डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का जो कि सेक्टर डिविडेंड से ज्यादा है, जो कि सही है कंपनी का, आरओसी कंपनी का सही है। कंपनी जो यहाँ पे बोल सकते कि कैपिटल जो है यहाँ पे यूज कर रहा है सही तरीके से, आरओसी पिछले 2 साल से कंपनी का यहाँ पे बोल सकते कि सही चल रहा है। एंड बात करते हैं कंपनी का जो कैश है पिछले 2 साल से देखते हैं तो कंपनी का कैश भी यहाँ पे सही है। कंपनी के कुछ ऐसे पॉइंट्स है वीकनेस है जो यहाँ पे देखते हैं। प्रोमोटर्स देखिए यहाँ पे जो मेन इसका बोल सकते हैं वीकनेस है मतलब आईआईएम इंफ्रा का, जो कि इसके प्रोमोटर्स इंक्रीज्ड प्लेस्ड शेयर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रोमोटर्स स्टेक से ज्यादातर प्लेस्ड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो बड़ा है। एंड यहाँ पे पीई जो है हायर देन इंडस्ट्री पीई है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं जो कि डिक्रीज किया है क्वार्टर क्वार्टर, अभी जो है लगभग 2% के आसपास प्रोमोटर ने स्टेक डिक्रीज किया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो है देख सकते हैं जो कि कंपनी विद इंक्रीजिंग डेप्ट, इसका डेप्ट भी बहुत ही अच्छा खासा है आयर बिन फ्रा का, तो यहाँ पे ये सब चीजें ध्यान देना है अगर हम लोग आयर बिन फ्रा के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, क्योंकि अगर डेप्ट कंपनी यहाँ पे रिड्यूस नहीं करता है प्लेस्ड शेयर जो है वो रिड्यूस नहीं करता है तो देखना जरूरी है कि शेयर में चल क्या रहा। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर बात करते हैं आयर इंफ्रा का, जो कि 37,079.5 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों कंपनी के आप ही देखते हैं तो देखिए अभी जैसे कि आयर इंफ्रा बहुत ही जल्दी से Q2 25 का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शेयर करेगा। अभी अभी टेक्निकली बात करते हैं आयर इंफ्रा के शेयर को लेके, टेक्निकली आप देख सकते हैं ये शेयर जो है एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है एक बेयरिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली आयर इंफ्रा का शेयर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एक ज्यादा टारगेट प्राइस के लिए आईआरबी इंफ्रा के शेयर में खरीदारी करें। अभी दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग को लेके, शेयर होल्डिंग में देखिए जो प्रोमोटर्स है प्रोमोटर्स के पास 30.42% का स्टेक अभी फिलहाल है। अभी आप देख सकते हैं इसके पहले जो है 34.39% का स्टेक था, तो प्रोमोटर्स इतना सारा स्टेक रिड्यूस क्यों कर रहा है आईआरबी इंफ्रा का। जो प्रोमोटर्स आप देखते हैं तो बहुत सारा स्टेक यहाँ पे रिड्यूस किया है, 34.39% का स्टेक था प्रोमोटर्स के पास, प्रोमोटर्स ने जो है स्टेक रिड्यूस करके 30.42% का स्टेक किया है। बात करते हैं दोस्तों जो FIS है, FIS के पास 47.21% का स्टेक था, FIS आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 44.47% का स्टेक किया है, तो FIS ने भी जो यहाँ पे बोल सकते कि स्टेक जो है रिड्यूस किया है। अभी जो यहाँ पे रिसेंट कुछ अपडेट है देखिए, इसके पहले म्यूचुअल फंड ने स्टेक इंक्रीज किया था, अभी जो रिसेंट अपडेट है जहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास आप देख सकते 3.72% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने जो अभी यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 3.56% का स्टेक किया है। एंड बात करते हैं अदर इंस्टीट्यूशंस की, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 4.08% का स्टेक था, अदर इंस्टीट्यूशन ने जो यहाँ पे देख सकते स्टेक जो है इंक्रीज करके 4.11% का किया है। मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स ने स्टेक रिड्यूस किया, FIS ने स्टेक रिड्यूस किया, म्यूचुअल फंड ने स्टेक रिड्यूस किया, अदर इंस्टीट्यूशन ने जो स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। और पब्लिक की बात करते हैं दोस्तों, पब्लिक तो हमेशा ये सब शेयर्स में जो स्टेक इंक्रीज करता है, 10.58% का स्टेक था पब्लिक के पास, पब्लिक ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 17.45% का स्टेक किया है। तो अभी जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग का इंफॉर्मेशन है, प्रोमोटर्स के पास बहुत ही कम स्टेक है 30.42% का, FIS के पास एक अच्छा खासा स्टेक है 44.47% स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 3.56% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 4.11% का स्टेक है, पब्लिक के पास 17.45% का स्टेक है। आपको कैसा लगता है दोस्तों आईआरबी इंफ्रा का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।